आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का SGN न्यूज़ पर। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ताज़ा अपडेट के साथ हम आपके पास मौजूद हैं। नतीजों का दिन है, काउंटिंग लगातार जारी है। पूर्णिया के इस पूर्णिया कॉलेज मतगणना केंद्र से हम मौजूद हैं। आपको ताज़ा अपडेट बता दें जो रुझानों में शुरुआती है, लगभग 15 राउंड हो गए हैं, कम उबेश उसी राउंड में गिनती चल रही है। फिलहाल जो ताज़ा आंकड़े हैं वो ये हैं कि पूर्णिया सदर से विजय खेम का 22,766 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की इंदु सिन्हा है 10,283 मतों से। कस्बा विधानसभा की बात करें तो लगातार प्रदीप दास लीड कर रहे थे, लेकिन अब आफाक आलम कांग्रेस के वो लीड कर रहे हैं जिन्हें 29,069 वोट आया है, जबकि प्रदीप दास लोजपा के उम्मीदवार हैं, उन्हें 22,238 वोट मिले हैं। तो कुल लगभग करीब 7,000 मतों का अंतर है इस वक्त। वहीं बायसी की बात करें तो विनोद यादव भाजपा के हैं, वो लगातार लीड कर रहे हैं 19,011 वोटों से, 19,011 वोट उन्हें पड़े हैं अब तक। वहीं सैयद रुकनुद्दीन AIMIM के, उन्हें 17,388 मत मिले हैं। मौजूदा विधायक हाजी सुभान भी इस रेस में तीसरे नंबर पर हैं, 10,000 से ज़्यादा मत भी उन्हें मिले हैं। बात करें अमौर विधानसभा की तो यहाँ AIMIM लगातार अपनी बढ़त बनाते ही जा रहा है। ताज़ा रुझान के मुताबिक अख्तरुल ईमान जो उम्मीदवार हैं AIMIM से, 16,140 मत उन्हें आए हैं, जबकि सबा जफर को उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर माना जा रहा है, तकरीबन 14,000 मत हैं उन्हें। वहीं बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि अब लीड कर चुके हैं, उपेंद्र शर्मा से आगे निकले हैं, 15,841 मत उन्हें पड़े हैं, जबकि उपेंद्र शर्मा को 14,748। उपेंद्र शर्मा राजद के उम्मीदवार हैं। वहीं धमदाहा से लेसी सिंह 20,619 वोटों के साथ आगे चल रही हैं, जबकि दिलीप यादव जो राजद के, वो 13,760 मत लेकर दूसरे नंबर पर हैं इस वक्त। रुपौली की बात करें तो बीमा भारती जो हैं जदयू से, वो काफ़ी बड़े अंतर से लीड कर रही हैं, उन्हें 16,485 मत मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर शंकर सिंह का नाम आ रहा है लोजपा की, उन्हें 5,503 मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं वो हैं CPI के विकास चंद्र मंडल, उन्हें 5,402 मत मिले हैं। तो फिलहाल जो पूर्णिया के सातों विधानसभा का रुझान है वो इसी तरीके से है। लगातार आपको SGN न्यूज़ अपनी पल पल की अपडेट दे रहा है। आप लाइव के साथ जुड़े रहें, न्यूज़ देखते रहें। अपने सहयोगी तहजीब के साथ मैं तहसीन अली, नमस्कार।